शावरमा की सॉस को बनाने के लिए मैं फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रही हूँ और आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि शावरमा में मायोनीज यूज़ होती है, लेकिन शावरमा की एक स्पेशल सॉस बनती है जिसमें गार्लिक का टेस्ट आता है, और यही कमर्शियल शावरमा और घर के बने शावरमे में इसका डिफरेंस यही है। मैं एक एग से ये सॉस बना रही हूँ, और अगर आपने मतलब ज़्यादा सॉस बनानी है 2 एग कर दें, और जो क्वान्टिटी मैं आपको बता रही हूँ उस क्वान्टिटी को उसी तरह डबल कर दें, जिस तरह एक एग के साथ आज अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और अगर आप मतलब ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, और उसी तरह ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करते हैं करेंगे और देखिएगा कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप एक एक स्टेप को फॉलो करना है, और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना, ताकि आपकी सॉस एज इट इज़ आपकी कमर्शियल शावरमे जैसी बने। सबसे पहले मैं इसमें एक अंडा शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गार्लिक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं ये वाला टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ वो ये है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जो आप टीस्पून अपने टी में यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं अभी ये कुकिंग के लिए मैं ये वाले स्पून यूज़ करती हूँ। ये देखिए फूड प्रोसेसर में इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने डाला है और इनको खूब चलाया, जिसमें जिसके बाद इसका कलर इस तरह वाइट आ गया, जो एग है और जो इसमें मैंने दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और फिर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं डाला था, सम टाइम ब्लैक पेपर अगर हम स्टार्टिंग में डाल दें तो ये इस तरह जो एग का जो वाइट है और ये जो इसकी एक वाइट क्रीमी इसकी जो शक्ल है वो सम टाइम नहीं सही तरह आती, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर इन सब को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद डाला है। चलिए अब ब्लैक पेपर को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे आप ये देखें सब चीज़ें ब्लैक पेपर और सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले थे वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। अब आ रही आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप है, उस इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल जाएगा, और कुकिंग ऑयल आपने ग्रेजुअली डालना है, कुकिंग ऑयल आपने एकदम से नहीं डालना। अब स्लो प्रोसेस में मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, और आप देखें कि कुकिंग ऑयल जैसे जैसे मैं ऐड करती जा रही हूँ इसमें, वो देख एक धार की सूरत में मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। देखें आप स्लो स्लो जा रहा है कुकिंग ऑयल फूड प्रोसेसर मशीन में, आपको मैं अच्छी तरह दिखा रही हूँ, सारी मशीन का फुल व्यू आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैं उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, और जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक वाइट क्रीम की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। आप देखिएगा कि इसके अंदर स्लो प्रोसेस में कुकिंग ऑयल डालने से ही इसकी क्रीमी टेक्सचर आएगा, और ये बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होने वाला है। और आप यकीन करें कि जो कमर्शियल शावरमा जो आप बाहर से खाते हैं उसके अंदर जो टेक्सचर आता है क्रीम जो शावरमे के अंदर लगाते हैं उसका और इसका सेम टेस्ट है, और आपको इसकी शक्ल भी नज़र आ रही होगी। मैंने सारा प्रोसेस बिल्कुल आपके सामने किया, कोई हिडन प्रोसेस ऐसा नहीं किया कि जो आपको इसकी समझ ना आए। अब ये मैं सारी जो सॉस है वो आपको एक बॉल में डाल के दिखाती हूँ, और अब आप ये इसका देखें टेस्ट, मैं चम्मच से आपको सारा दिखा रही हूँ कि किस तरह उसका क्रीमी टेक्सचर आया है, और इसका टेस्ट भी सेम टू सेम कमर्शियल शावरमा में जो वो शावरमा या पीटा ब्रेड के ऊपर जो स्प्रेड करते हैं वाइट सॉस, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा टेस्ट है। आप एक एक स्टेप को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको सेम ऐसा ही टेस्ट मिलेगा जैसा कमर्शियल शावरमा में मिलता है। ज़री से भी फूड सर्कल में अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।